चलो इसको तो यही रख देते हैं। चलो वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सेल डिवीजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने सेल डिवीजन के मियोसिस के बारे में अध्ययन किया था। मियोसिस यानी अर्धसूत्री सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। हमने देखा जो माइटोसिस है, समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, यानी बॉडी की जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें होता है। और उसमें सेल डिवीजन में एक मातृ कोशिका से जब दो पुत्री कोशिकाएं बनती तो वो उसके जैसी ही होती है, उसकी ट्रू कॉपी होती है। यानी अगर उसमें जितने क्रोमोजोम है उतने क्रोमोजोम ही उनकी पुत्री कोशिकाओं होंगे। यानी अगर उसमें मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोजोम की संख्या 46 है तो दो पुत्री कोशिकाओं में भी 46-46 होंगे। इसका मतलब ये जो विभाजन है, इस विभाजन में सेल का साइज या शेप जो है वो बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, प्लस सेल शरीर की वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और संतति कोशिकाएं जो है यानी डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मात्र सेल के समान रखने के लिए ये आवश्यक है। फिर कल हमने अध्ययन किया था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यानी जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस जो है वो एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन है जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। वो कोशिकाएं जो जनन कोशिकाएं या सेक्स सेल्स जिसे बोलते हैं, जनन कोशिकाएं या सेक्स सेल्स में ही पाया जाता है। और सेक्स सेल्स में कैसे होता है, मेल के अंदर जो है स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर इमेच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनको बोलते हैं हम ऊगोनियम। जो इमेच्योर रिप्रोडक्टिव सेल जो ओवरी में पाए जाते हैं फीमेल के, उनको ऊसाइटोगोनियम बोलते हैं। और उस ऊसाइटोगोनियम का जब माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उससे प्राइमरी ऊसाइट बनते हैं। प्राइमरी ऊसाइट में क्या है, उसमें भी गुणसूत्र जो है वो 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर उस प्राइमरी ऊसाइट जो बनता है, उस प्राइमरी ऊसाइट से मियोसिस द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक प्राइमरी ऊसाइट से 4 ओवम बनते हैं, यानी 4 पुत्री सेल बनते हैं उसके 4, जो उनमें क्रोमोजोम की संख्या आधी होती है। यानी अगर उसमें जो प्राइमरी ऊसाइट में 46 है तो उनमें 23-23 होगी एक में। तो इसका मतलब, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। हिटरोटाइपिक डिवीजन है पहला डिवीजन, इसके दो भाग होते हैं, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट जो हिटरोटाइपिक है और मियोसिस सेकंड जो है होमोटाइपिक है, यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव नहीं होता है दूसरे वाले में। तो ये जो है ये जनन कोशिकाओं में होता है। और ये क्यों आवश्यक है, एक तो क्या है कि ये संतति दर संतति यानी बाप से बेटे में, बेटे से फिर पोते में, इस तरह से जो गुणसूत्र की संख्या है वो समान रखने के लिए ये जो प्रोसेस है यूज होता है। अदरवाइज अगर ये मियोसिस नहीं होता तो ह्यूमन बीइंग में एक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं। और अगर ये मियोसिस नहीं होता तो फिर जो सेल दो बनते वो 46-46 के होते हैं, फिर आगे वो बनते तो फिर पता नहीं क्या पैदा होता। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रखने के लिए ये जो मियोसिस है ये आवश्यक है। ऐसे ही मतलब क्या है कि मेल के अंदर जो है स्पर्मेटोगोनियम होता है, जो प्राइमरी सेल जो है, सेक्स सेल जो है मेल में, वो टेस्टिस में, सेमिनिफेरस में, इमेच्योर स्टेज में स्पर्मेटोगोनियम होता है, उससे फिर माइटोसिस होता है, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनेगा तो उसमें भी
गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी, और जब उसका आगे डिवीजन होगा मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो उसमें एक सेल से चार सेल बनेगी पुत्री सेल, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, यानी 23-23 होंगे, जो हिटरोटाइपिक होगा। तो जब दोनों ये जो गैमेट्स हैं, इन्हें गैमेट बोलते हैं, स्पर्मेटो जो होगा मेल में और फीमेल में होगा ओवम, जब ओवम और स्पर्म का मिलन होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा तो उसमें जो सेल बनेगी दोनों मिलके, जब दोनों मिलेंगे तो उनमें 23-23 गुणसूत्र होकर 46 गुणसूत्र उसमें हो जाएंगे, और फिर उसका आगे विभाजन, जैसे सोमेटिक सेल में जो डिवीजन होता है वैसे उनमें माइटोसिस होगा, और वो एक पूरा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से पूरा बच्चा बनेगा, बाद में उसका बर्थ होगा, फिर वो ग्रोथ करेगा। कल हमने पढ़ा था मियोसिस की दो स्टेज होती है, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो कल हमने मियोसिस फर्स्ट का अध्ययन किया था, जिसमें वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी डिवीजन होने से पहले, अगर वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, उससे पहले एक स्टेज आती है जिसको इंटरफेज स्टेज बोलते हैं। वो इंटरफेज स्टेज जो है, वो सेल के डिवीजन की तैयारी का टाइम होता है। सेल जो है डिवीजन के लिए अपनी तैयारी करता है, उसमें जो माइटोसिस डिवीजन था, माइटोसिस में तो हमने देखा उसमें डीएनए का संश्लेषण हुआ, या उसका जो डीएनए था क्रोमोजोम था उसका रेप्लिकेशन हुआ। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन जो शुरू होता है उससे पहले भी इंटरफेज स्टेज आती है, जिसके अंदर वो सेल जो है अपनी नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयारी करता है। तो कल हमने देखा अर्धसूत्री विभाजन का फर्स्ट स्टेज, जिसमें उसकी चार स्टेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज की भी हमने देखा कि उसकी पांच सब स्टेज थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये न्यूक्लियस विभाजन की जो प्रोफेज स्टेज थी, उसमें पांच उप अवस्थाएँ थी जिनका हमने अध्ययन किया था। यानी लेप्टोटीन स्टेज में हमने देखा था कि क्रोमेटिन पदार्थ जो संघनित हो जाता है और वो बकेट टाइप में विन्यासित हो जाता है, यानी गुलदस्ते नामक संरचना बनती है क्रोमेटिन पदार्थ जो है उसमें। फिर हमने देखा जाइगोटीन स्टेज थी, उसमें जो समजात गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोजोम जो है, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा साइनेप्सिस होता है उनमें, और समजात गुणसूत्रों के जोड़े जो है वो बाइवेलेंट कहलाते हैं, जोड़े बन जाते हैं वो बाइवेलेंट कहलाते हैं, उनके जो क्रोमेटिड है उनको टेट्राड क्रोमेटिड्स बोलते हैं, टेट्राड यानी चतुष। फिर उसके बाद में पेकाइटिन स्टेज थी, पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का विनिमय यानी जीन का एक्सचेंज होता है। उसके बाद में डिप्लोटीन थी, डिप्लोटीन में दोनों समजात गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, जो पहले आकर्षण था वो प्रतिकर्षण में बदल जाता है। और क्यास्मेटा यानी क्रॉस के समान जो दिखाई देता है वो क्यास्मेटा, ये कल मैंने आपको बताया था क्यास्मेटा क्या होता है। फिर आता है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में गुणसूत्र जो है वो संघनित हो जाते हैं और उसमें टर्मिनलाइजेशन क्रिया होती है, यानी नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स जो हैं उनके आपस के सिरे जो आपस में मिल जाते हैं क्रॉस के रूप में, उसको बोलते हैं क्यास्मेटा, सॉरी टर्मिनलाइजेशन। और केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली जो है वो लुप्त होने लगती है इसमें वो लुप्त होने लगती है। फिर हमने मेटाफेज पढ़ा, मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, गुणसूत्र जो है मेटाफेज प्लेट पे व्यवस्थित हो जाते हैं, सेंट्रोमियर जो ध्रुवों की तरफ और क्रोमेटिड जो है मध्य रेखा की तरफ हो जाते हैं। फिर एनाफेज फर्स्ट पढ़ा हमने, एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं, इससे गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है, यानी समजात गुणसूत्र जब विपरीत ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो वो बीच में से फटके आधे आधे हो जाएंगे, तो आधे ऊपर आधे नीचे चले जाएंगे। टीलोफेज फर्स्ट में दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्र जो एकत्रित होने के पश्चात उनके चारों केंद्रक झिल्ली बन जाएगी और उसमें
न्यूक्लियस भी स्पष्ट हो जाएगा। तो दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्पष्ट हो जाएगा, दो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा दोनों ध्रुवों पे, और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन हो जाएगा, बीच में से संकीर्ण होके और साइटोप्लाज्म दो में विभक्त हो जाएगा, दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा और जो सेल बनेंगे उनमें 23-23 क्रोमोजोम होंगे। यानी जो मदर सेल थी प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, उनके अनुसार 46 में से 23-23 गुणसूत्र रह जाएंगे एक एक सेल में। तो दो सेल बनी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। तो ये हेटरोटाइपिक मतलब डिवीजन है, मियोसिस का हेटरोटाइपिक डिवीजन है। ये था प्रथम फेज, मियोसिस की प्रथम फेज थी जो हमने कल अध्ययन की थी। अब आती है मियोसिस की सेकंड स्टेज, यानी मियोसिस सेकंड, मियोसिस का दूसरा विभाजन, फिर विभाजन होता है। तो दोनों विभाजन के बीच में सेल फिर जो है अपनी तैयारी करती है, उस स्टेज को बोलते हैं जो रेस्ट का टाइम होता है दोनों मियोसिस के, दोनों जो प्रोसेस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस उसमें भी सेल जो है वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयारी करती है। इसके भी चार भाग होते हैं। अब ये जो डिवीजन है ये बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह ही डिवीजन है, सेम माइटोसिस की तरह है। यानी इसमें जो क्रॉसिंग ओवर है वो इसमें नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है फर्स्ट स्टेज में हो गया, जो फर्स्ट मियोसिस था उसमें क्रॉसिंग ओवर जीन का विनिमय हुआ और उसमें जीन जो है वो आधे आधे हो गए थे, मतलब हेटरोटाइपिक हो गए थे। अगर उसमें मदर में 46 थे तो दोनों डॉटर सेल्स में 23-23 हो गए। लेकिन ये जो विभाजन है मियोसिस सेकंड, ये माइटोसिस की तरह है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और जो जितने क्रोमोजोम सेल में उतने ही क्रोमोजोम जो है डॉटर सेल में जाएंगे। जैसे अगर 23 है तो दोनों डॉटर सेल में 23-23 जाएंगे। यानी ये जो मियोसिस फर्स्ट में दो पुत्री सेल बनी थी, अब इन दो का चार पुत्री सेल बनेंगे और चारों में ही 23-23 गुणसूत्र होंगे। अब इसकी जो प्रोफेज सेकंड होगी, यानी इसकी भी चार स्टेज होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज को बोलेंगे प्रोफेज सेकंड, क्योंकि ये सेकंड मियोसिस है इसलिए ये प्रोफेज सेकंड होगी। प्रोफेज सेकंड में केंद्रक मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो लुप्त हो जाते हैं, यानी ये फिर डिसअपीयर हो जाएंगे। प्रोफेज फर्स्ट सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएंगे और तर्कु तंतु जो है स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो बननी आरंभ हो जाएगी, वो बननी आरंभ हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो ये डायग्राम जो है आपके पेज नंबर 31 पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट मेटाफेज दे रखी है, इसमें ये स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई है और जो क्रोमोसोम जो है वो स्पष्ट हो गए हैं, मतलब तर्कु तंतु का निर्माण आरंभ हो गया है। मेटाफेज सेकंड में गुणसूत्र जो है वो विश्वस्तीय विश्वस्त रेखीय पट यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं, बीच में इकट्ठे हो जाते हैं गुणसूत्र जो है, यानी मेटाफेज सेकंड में गुणसूत्र जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे एकत्रित हो जाते हैं। वह व्यवस्था इस इनकी व्यवस्था जो है समसूत्रीय मेटाफेज के समान होती है, जो समसूत्री विभाजन में मेटाफेज की जो स्टेज थी बिल्कुल वैसे ही इनकी व्यवस्था हो जाती है। और एनाफेज सेकंड तीसरी स्टेज है एनाफेज सेकंड, इसमें सेंट्रोमियर का लंबवत विभाजन हो जाता है, जो सेंट्रोजोम है वो दो सेंट्रोमियर में बदल जाता है, यानी उसका लंबवत विभाजन हो जाता है और गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं, यानी वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लग जाते हैं कौन जो गुणसूत्र है वो। अब आती है लास्ट स्टेज टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में गुणसूत्र जो है पुनः क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं, यानी जो पहले गुणसूत्र स्पष्ट थे वो अब सिर्फ जाल के रूप में निर्माण कर लेते हैं, जाल का निर्माण कर लेते हैं क्रोमेटिन जाल का। केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पुनः प्रकट हो जाते हैं, जो दो ध्रुवों पर ये आपके गुणसूत्र चले गए तो दोनों ध्रुवों पर
साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। इसके पश्चात केंद्र कला और केंद्रियोल जब स्पष्ट हो जाते हैं दोनों साइड में, तो जो न्यूक्लियस दो बन गए, तो रहा पीछे साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, वो भी दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। यानी जो न्यूक्लियस दो बने उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म जब कोशिका द्रव्य दो भागों में विभक्त हो गया तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और इस तरह से एक संतति सेल से चार पुत्री सेल बन गए, जो जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई, इनको बोलते हैं गैमेट, इनको बोलते हैं गैमेट। और यही गैमेट आगे मेल और फीमेल के जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन में तो बनता है जायगोट, और जायगोट में जो संख्या है गुणसूत्र की वो 23 23 मिलके 46 हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का हमने अध्ययन कर लिया कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की सेल्स में होता है, और ये अब हम देखेंगे कि ये इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये शरीर में क्यों होता है। तो एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या जो समान बनाए रखने के लिए ये विभाजन जरूरी है। अगर मान लो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो एक सेल में अगर ह्यूमन बींग मानते हैं तो 46 क्रोमोजोम होते मेल में भी और 46 फीमेल के गेमिट में होते, तो फिर जो जीव बनता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, और तो वो पता नहीं क्या बनता है। इसलिए जीन की संख्या गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनाए रखने के लिए मियोसिस डिवीजन ऑफ सेल आवश्यक है। फिर संततियों में विभिन्नताओं के लिए उद्विकास के लिए आवश्यक है, यानी जो समसूत्री विभाजन था जो सोमेटिक सेल्स में होता है उसमें जब एक सेल से दो पुत्री सेल बनती है तो वो बिल्कुल उसकी ट्रू कॉपी होती है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल मातृ सेल में था वही का वही जेनेटिक मटेरियल जो है वो पुत्री सेल्स में आता है, यानी उसकी बिल्कुल एकदम से कार्बन कॉपी होती है वो। लेकिन जो मियोसिस है यानी अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें जो एक सेल का विभाजन होकर जब चार पुत्री कोशिकाएं जो बनती है गेमिट बनते हैं उनमें गुणसूत्र जो है वो एक्सचेंज होते हैं क्रॉसिंग ओवर से, यानी वो चारों जेनेटिकली समान नहीं है, वो चारों जेनेटिकली एक समान नहीं है, उनकी गुण जो है अलग अलग हैं। माता के पिता के गुण जो लेते हैं वो अलग अलग है चारों सेलों में। तो इसके मतलब ये विभिन्नताओं के लिए आवश्यक है, विभिन्नताओं के लिए आवश्यक है, और अगुणित युग्मकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी जो हम गेमिट जो प्रोड्यूस करते हैं वो अगुणित होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम है वो संख्या अगुणित होती है। यानी मेल के जो मदर है, मदर सेल है, जो पहले वाली सेल है पेरेंटल सेल जिसे बोलते हैं, उसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं, 2n द्विगुणित। लेकिन जब ये सेल चार में डिवाइड होगा, चार गेमिट बनेंगे, उनमें क्रोमोसोम की संख्या n होगी, n मतलब अगुणित। तो ये जो है सेल डिवीजन के बारे में था विस्तार से। अब आपका सेल का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, इसको आप भली प्रकार से याद करें। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये सेल डिवीजन जो जेनेटिक्स में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, क्योंकि जेनेटिक्स में जीन विनिमय के बारे में बताया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर, ये साइनेप्सिस क्या है, ये उसमें अच्छी प्रकार से समझाया हुआ है। तो आप उसको भली प्रकार से अगर इसमें समझ लोगे तो आप उसको समझने में आपको आसानी होगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर इसमें बचा है एक आपके एनाटॉमी में, वो है चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़ के बारे में, वो हम कल से शुरू करेंगे। और ये जो टिश्यूज़ वाला लेक्चर है ये थोड़ा लंबा है, तो इसमें कम से कम 5 या 6 दिन लगेंगे। और अगर आप इसको शुरू से पहले से आप पढ़ के आओगे तो आपको ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी रहेगी। धन्यवाद।